पढ़ रहे हैं यहाँ पर तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय। बेटा हम यहाँ पर मस्तिष्क की बात कर रहे हैं और आज भी हम किसकी बात करेंगे, मस्तिष्क की बात करेंगे। ठीक है, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चल रहा है उसकी हम बात करने वाले थे, है ना, किसकी, हमारे ब्रेन की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए मस्तिष्क के, आपको दिखाई दे रहा होगा इस मस्तिष्क के अंदर कुछ गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, दरारें दिखाई दे रही है, दरारें अंदर की तरफ दिखाई दे रही है ना, बस ये थोड़ी सी एक चीज दिखानी थी मेरे को। चलो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। और इस मस्तिष्क में बेटा जी हम लोगों ने कई सारी बातें कर ली थी। मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर का डायरेक्टर होता है, ये हमारे शरीर की मैक्सिमम ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तापमान को, भूख को, प्यास को, व्यवहार को, हमारे हृदय को, फेफड़े को, हमारे चलन को, गति को, संतुलन को, याददाश्त को, भावनाओं को, विचारों को, इन सारी प्रक्रियाओं को, सुनने को, देखने को, ये कौन नियंत्रित कर रहा है, हमारा मस्तिष्क नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, फिर इस मस्तिष्क को हमने बोला था कि ये मस्तिष्क जो होते हैं हमारी कपाल की जो खोपड़ी जो होती है, हड्डी जो होती है उसके बीच में, मतलब हमारे मस्तिष्क और हमारी जो कपाल की जो हड्डी जो है उसके बीच में तीन स्तरें होती है, जिसको हमने बोला मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो थी ये क्रम क्या था, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पाइयामेटर। डन, ये मैंने आपको इस तरीके से ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड और पाइयामेटर ये बताया था। ठीक है, ये मैं लेकर आया हूँ एक बार दिखाने के लिए कि ये हमारी कपाल करोटी की हड्डी है, अस्थि है, ये हमारा मस्तिष्क है, इनके बीच में ये तीन स्तरें थी, सबसे पहले ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नॉइड और फिर पाइयामेटर, इनको हमने मेनिंजेस कहा था। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि भैया हमारा जो मस्तिष्क जो है उसके तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, है ना। फिर हमने इनका वर्गीकरण भी किया कुछ इस तरीके से, हमने बोला मस्तिष्क जो है उसके तीन भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें अग्र मस्तिष्क के टोटल तीन भाग है। कौन कौन सा, सबसे पहला भाग है सेरिब्रम, जो हमारे पूरे मस्तिष्क का 80% भाग बनाता है, यानी सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारे ब्रेन का वो अग्र मस्तिष्क का कौन होता है, सेरिब्रम होता है, जिसको हम प्रे मस्तिष्क बोलते हैं। फिर डायन्सिफेलोन, इस डायन्सिफेलोन के तीन भाग थे, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर ऑल्फैक्टरी लोब। फिर उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक होता है क्रूरा सेरेब्री, ये वर्ड यहाँ नहीं दे रखा है, हाँ हमारी एनसीईआरटी में ये वर्ड दे रखा है, कौन सा, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, ठीक है, ये दे रखा है। पश्चिम मस्तिष्क जिसके तीन भाग है, पॉन्स सेरिबेलम, जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, और मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, मध्यांश भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, So, ये कुल मिलाकर हमने वर्गीकरण किया था किसका, हमारे मस्तिष्क का। अब सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है, अग्र मस्तिष्क की बात करनी है। किसकी बात करनी है, अग्र मस्तिष्क, हमें किसकी बात करनी है, अग्र मस्तिष्क की बात करनी है। किसकी बात करनी है, अग्र मस्तिष्क की बात करनी है। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके तीन भाग है, कौन कौन सा, एक है सेरिब्रम, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। लेकिन दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस और साथ साथ एपिथैलेमस, ये तीन भाग किसके होते हैं, डायन्सिफेलोन के होते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सेरिब्रम की बात करेंगे, फिर डायन्सिफेलोन की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, बस ये नाम याद रखना है ना, ये सिर्फ सूंघने से संबंधित हो एक भाग होता है हमारे किसका, अग्र मस्तिष्क, सूंघने से। ठीक है, तो हम बेसिकली इन दोनों की बात करने वाले हैं, किसकी, सबसे पहले सेरिब्रम फिर डायन्सिफेलोन आइएगा। हाँ जी, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम सेरिब्रम की बात करेंगे, ये वाला सेरिब्रम, मैं ढेर सारे डायग्राम लेकर आया हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये है सेरिब्रम, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये मैंने आपको यहां पर भी दिखा दिया था, इस एनिमेशन में भी दिखा दिया था मैंने आपको, याद आ रहा है, ये पूरा, ये पिंक कलर वाला और ये नीले रंग वाला, ये दोनों क्या है, सेरिब्रम है। यानी हमारा सेरिब्रम कितने भागों में बटा हुआ है, सर दो भागों में बटा हुआ है, एक दाहिना सेरिब्रम और एक बाहिना, जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट के दो भाग होते हैं वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना, हमारा सेरिब्रम जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है, दो, एक राइट और एक लेफ्ट। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये संरचना जो है क्या ये गोल है, ये आधी गोल है, सोचो क्या ये गोल है या ये आधी गोल है, सोचिए, दिखाई दे रही है, अगर ये नीचे तक ऐसे जाती तो हम इसको बोलते गोलार्ध गोल, है ना, लेकिन ये नीचे तक नहीं गई, ये आधी गोल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध गोलार्ध बोलते हैं। यानी हमारे सेरिब्रम जो होता है वो कैसा होता है, अर्ध गोलार्ध होते हैं, संरचनात्मक रूप से कैसे होते हैं, आधे गोले होते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं, है ना,
दो भागों में विभाजित होते हैं, एक दाहिना अर्धगोलार्ध और एक बाहिना अर्धगोलार्ध। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेमस्तिष्क गोलार्ध बोलते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए यहां से सेरिब्रम, जिसको हमने क्या बोला, प्रेमस्तिष्क, ये हमारे मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग बनाता है। ये मैंने आपको बता दिया था, सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का 80% पोर्शन बनाता है। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं प्रेमस्तिष्क जो होता है हमारा, यानी हमारा सेरिब्रम जो होता है, उसमें एक लंबी दरार होती है जिससे वो दो भागों में बट जाता है। ये आपने अभी अभी देखा, ये आपने यहां पर देखा, रुकिए एक बार, चलने दीजिए इसको, चलो 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 चलो। हाँ ये देखिए एक दरार दिख रही है। हाँ सर, अब इस दरार के कारण ये हमारा सेरिब्रम दो भागों में नहीं बट गया। हाँ सर, यही तो बताना था। सो यही चीज लिखी है, एक लंबी सी दरार होती है जो प्रेमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क यानी सेरिब्रम को दो भागों में बांट देती है। एक है दाहिना और एक बाहिना, क्या? प्रेमस्तिष्क गोलार्ध। एक्चुअली यहाँ पर गोलार्ध की जगह क्या आना चाहिए था? अर्ध गोलार्ध, लेकिन ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। इसको हम अर्ध गोलार्ध बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारी एनसीईआरटी में कहीं लिखा भी था, मैंने देखा था। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलूं इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब थोड़ी बहुत अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो स्फेयर जानते हैं, स्फेयर, स्फेयर का मतलब क्या होता है? स्फेयर का मतलब होता है गोल, और हेमी का मतलब होता है अर्ध, अर्ध, हेमी मींस आधा। तो याद रखना, आधे गोले होते हैं ये, इनको प्रेमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध बोला जाता है। सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। ये मैंने आपको वैसे तो बता दिया था, फिर भी मैं आपको वापस से बता देता हूं। देखो आपको ये दो गोलार्ध दिख रहे हैं, अब इन दोनों गोलार्ध के बीच में, इन दोनों गोलार्ध के बीच में कोई संरचना होगी जो दोनों को जोड़ रही होगी। ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए होंगे। अब कैसे जुड़े हुए हैं देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा ब्लर, ये वाला पोर्शन ब्लर है, ये जानबूझ के इस डायग्राम में ब्लर है ना, इसको दिखाने के लिए, इस लाल वाले पोर्शन को। ये लाल वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं ऐसे खड़ा हूं तो यहाँ का जो अर्ध गोला है सेरिब्रम का, है ना, वो वाला, ये वाला, उसके अंदर ये लाल वाला जो पोर्शन है, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, जो क्या कर रहा है, आपके दो अर्ध गोले जो थे दिखाई दे रहे हैं आपके, ये दो सेरिब्रम जो है, दो भागों में जो बट गए हैं, दाहिना और बाहिना सेरिब्रम जो है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? ये संरचना, ये लाल वाली, यानी कनेक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, ये जो दो अर्ध गोले है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो संरचना है, उस संरचना का नाम है बेटा जी, याद रखना, कॉर्पस कैलोसम। बस इतनी सी बात। तो कॉर्पस कैलोसम क्या कर रही है? सर, कॉर्पस कैलोसम जो है हमारे प्रेमस्तिष्क गोलार्ध जो है, या प्रेमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध जो है, उनको जोड़ने का कार्य कर रही है। मतलब इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि भाई देखो, ये जो है इन दोनों के बीच में ये वाली संरचना, बस समझ में आ गया, कौन सी संरचना? ये वाली संरचना जो इन दोनों को जोड़ रही है, इसको इससे जोड़ रही है ये वाली संरचना, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब लिखा हुआ है, प्रेमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिका एक परत आवृत होती है जिसे प्रेमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रेमस्तिष्क वल्कुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। आप में से कईयों को ये वर्ड याद आ रहा होगा, धूसर द्रव्य, मैंने आपको बताया हुआ है, याद आ रहा है, अभी बता रहा हूं सारी चीजें। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रेमस्तिष्क वल्कुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र, संवेदी भाग और एक बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतः ना तो प्रेरक होते हैं ना ही संवेदी होते हैं। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। तथा जटिल क्रियाएं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क, सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आवरण से आवृत रहते हैं, जो कि प्रेमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। अब
सर कई सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा वापस से पढ़, वलकुट तक वर्ड पढ़ लिया, फिर निश्चित गर्तों में प्रायमस्तिष्क वलकुट को इसके दूसरा रंग, ठीक है, रंग प्रदान करती है, ये होता है सहभागी क्षेत्र। यहां पर ये वर्ड याद रखने, कौन सा, एक है संवेदी, एक है उत्प्रेरक या प्रेरक, और फिर एक है सहभागी क्षेत्र, ठीक है। चलो जी आइए। अब आप बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा आजा, तेरे को ये सेरिब्रम दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है। अब इधर देखना, जो सेरिब्रम मैं बना रहा हूं, सपोज दिस इज सेरिब्रम, कौन है ये हमारा सेरिब्रम है। अब हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना, हमारी एनसीईआरटी बोल रही है कि भैया हमारा सेरिब्रम जो है वो एक आवरण से ढका हुआ है। ये एक आवरण जो है, ये वाला आवरण, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज तो समझ में आई गई होगी मैं यहां पर क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी सी बात तो समझ में आई होगी कि आखिर यहां पर बनाने की कोशिश क्या कर रहे थे। ये हमारा सेरिब्रम है? हाँ सर, सेरिब्रम है। और ये जो सेरिब्रम जो था, ये जो हमारा सेरिब्रम जो था, इस सेरिब्रम, ये पूरा सेरिब्रम है, इस सेरिब्रम में एक बाहर एक आवरण मिल रहा है जिसका नाम है वलकुट। ओके सर, पहला बिंदु समझ में आया क्या? हमारा सेरिब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हाँ सर, कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है, इस तरीके से ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। फिर हमने देखा इसके ऊपर एक आवरण मिल रहा है, इसके ऊपर एक आवरण मिल रहा है, इसके ऊपर एक आवरण मिल रहा है, उस आवरण का नाम है वलकुट, और वो वलकुट जगह जगह पर अंदर क्या बना रहा है? दरार बना रहा है, अंदर की तरफ घुस रहा है, दरारे बना रहा है, ठीक है। इतनी सी बात भी समझ में आ गई। तो ब्रेन को जब हम देखते हैं तो ये दरारे दिख रही हैं, ये दरारे, ये दरार दिख रही है, देखिए अंदर की तरफ आती हुई, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इस तरीके से दरारे दिख रही है। हाँ सर, ये दरारे दिख रही है, ये दरारे कौन बना रही है? सर ये वलकुट जो है ये मस्तिष्क की सेरिब्रम में क्या बना रहा है? दरार बना रहा है, ठीक है जी। किसका निर्माण कर रहा है? दरार का निर्माण कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट। अब दरार का निर्माण करने के बाद में, दरार का तो निर्माण कर दिया, अब दरार का निर्माण करने के बाद में, अब ध्यान से सुनना, ये जो वलकुट जो होता है ये बना होता है धूसर द्रव्य से, धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर से बना होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ना बनाए इसको, हमारे पास ग्रे कलर है। यस, ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा ग्रेश, कैसा है ये? थोड़ा सा ग्रे कलर का है। कौन सा हमारा? ये वलकुट ग्रे, ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर का है। रंग जो है इसका कैसा है? ग्रे कलर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये ग्रे कलर किसके कारण है, मुझे बताइए। क्या मुझे बताने की जरूरत है? याद है आपको? नहीं बताया मैंने आपको धूसर द्रव्य क्या होता है। सर एक बार वापस से बता दीजिए, एक बार वापस से सुन लीजिए, धूसर द्रव्य ग्रे मैटर क्या था?
सिंपल तरीके से याद रखना, अगर तंत्रिका जो होती है, कौन होती है तंत्रिका, उस तंत्रिका पर माइलिन आवरण मिलता है, माइलिन आवरण या तो मिलता है या नहीं मिलता, या तो तंत्रिका पर माइलिन आवरण मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। अब यूं समझिए कि जैसे ये दीवार है ना, ये मेरे को दीवार दिख रही है और इस दीवार पर मैं सफेद रंग की पुट्टी लगा दूं, ये दीवार मेरे को दिख रही है और इस दीवार पर मैंने पुट्टी लगा दी सफेद रंग की, क्या लगा दी पुट्टी, सफेद कलर की पुट्टी लगा दी, तो ये दीवार कैसी हो जाएगी, सफेद नहीं हो जाएगी, है ना। और अगर पुट्टी नहीं लगाई, ये दीवार वैसे ओरिजिनली कैसे कलर की थी, ग्रे कलर की थी, गहरे रंग की थी, ग्रे कलर की थी। अब मुझे बताइए माइलिन आवरण जो है, ये माइलिन आवरण सफेद रंग का ही एक तरह की पुट्टी है, अगर आप पुट्टी चढ़ा दोगे तो वो तंत्रिकाओं का समूह जो होएगा वो क्या कहलाएगा, वो व्हाइट मैटर कहलाएगा, श्वेत द्रव्य कहलाएगा, और जिस पर नहीं मिलेगी वो क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर, धूसर द्रव्य, सिंपल। सो ग्रे मैटर वो होता है, याद रखना, ग्रे मैटर वो तंत्रिकाएं जिन पर माइलिन आवरण नहीं मिलता, वो तंत्रिकाएं जिन पर माइलिन आवरण नहीं मिलता है वो क्या बनाती हैं, ग्रे मैटर बनाती है, और वो तंत्रिकाएं जिन पर माइलिन आवरण मिलता है वो क्या बनाती है, श्वेत द्रव्य बनाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ यहां तक, चले आगे। अब इधर देखिएगा, कितने बिंदु बताए मैंने, मैंने आपको बताया हमारे सेरिब्रम एक आवरण से ढका हुआ जिसका नाम है वल्कुट, जो क्या बना रहा है, दरारें। इसके अंदर क्या मिल रहे हैं, धूसर द्रव मिल रहा है, धूसर द्रव का मतलब ऐसी तंत्रिका जिसमें माइलिन आवरण नहीं होता है। बताइए जी, ये चार बिंदु समझ में आ गए धूसर द्रव्य के साथ, चलें आगे। अब आइए, अब यहां पर जो तंत्रिकाएं जो है, जो जिन पर माइलिन आवरण नहीं, अब यहां पर तंत्रिकाएं तो है भाई, तभी तो रंग इनका कैसा है, ग्रे कलर का नहीं है, धूसर रंग है ना, धूसर का मतलब ही क्या होता है, ग्रे कलर, है ना। अब ये रंग ग्रे क्यों हो रहा था, क्योंकि माइलिन आवरण नहीं है। ओके सर, समझ में आ गया, यहां पर तंत्रिकाएं हैं, हाँ सर। अब वो तंत्रिकाएं ध्यान से सुनना, तीन प्रकार से मिल रही हैं, कौन कौन सी, देखिएगा पांचवा बिंदु जरा ध्यान से सुनिएगा, वल्कुट में, वल्कुट में कौन से भाग की बात कर रहे हैं, सेरिब्रम के वल्कुट की, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेरिब्रम, और सेरिब्रम में किसकी बात कर रहे हैं, वल्कुट की, समझ में आ रही है ना बातें। हम देखो किसकी बात कर रहे थे सर, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, बार बार रिवाइज करा दूंगा, सेरिब्रम प्रेम मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है एक दरार से, जिसके जिसको हमने बोल दिया है प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध, एक दायां गोलार्ध एक बायां गोलार्ध, दोनों को जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम, डन। फिर हमने बात करी ये जो प्रेम मस्तिष्क गोलार्ध जो है, इनके ऊपर एक आवरण सा मिल रहा है जिसका नाम है वल्कुट, ठीक है। वो वल्कुट जो है, वो वल्कुट जो था, ये वल्कुट जो था, इसमें दरारे मिल रही है, है ना। अब एक चीज और याद रखना, जितनी ज्यादा दरारे होती है उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंसी भी होती है, और अब तक सबसे ज्यादा दरारे जो देखी गई हैं वो किसकी देखी है, आईक्यू आइंस्टीन की देखी गई है, जिसका ब्रेन जो है दो भागों में बांटकर दो अलग अलग म्यूजियम में प्रिजर्व कर रखा है, एक शायद पेरिस में है और एक शायद इंग्लैंड में है, है ना। समझने वाली बात जो थी, सुनने वाली बात जो थी वो ये, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेस्ट और ट्रफ बोला जाता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। कोई पूछ नहीं रहा है आपसे, जस्ट बता रहा हूं। अब जितने ज्यादा ये दरारें होंगी उतना ही ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा, आप जानते हैं ना, इतना तो आप समझ चुके हैं, है ना। जितने ज्यादा फोल्ड होते हैं, है ना, याद आ रहा है, आते पड़ी थी, जितने ज्यादा अंकुर होते हैं उतने ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ता है, ऐसे ही हमारे दिमाग में जितने ज्यादा ये फोल्ड होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा चीजों को स्टोर करने का। भाई मेरी आईक्यू ज्यादा है, मैं इंटेलिजेंट हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को चीजें याद है। अब चीजें याद कब होंगी, जब मेरी मेमोरी बहुत तगड़ी होगी, मेमोरी तगड़ी होगी तो चीजें याद रहेंगी ना भाई, और ये जो है ये ज्यादातर ये किससे संबंधित होते, मेमोरी से, डन क्लियर खलास। चल
तो ये था बेटा वलकुट, ये वाला क्षेत्र जो वलकुट जिसमें दरारे थी, जो किससे बना हुआ, धूसर द्रव्य से, धूसर द्रव्य यानी जिसमें तंत्रिका नहीं है। अब मैं पांचवा बिंदु लिख रहा हूं कि सेरिब्रम का ये जो वलकुट जो होता है इसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका दो प्रकार की होती है, संवेदी भी है और चालक भी है। क्या सर? यहां पर दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। जस्ट इमेजिन, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये तंत्रिका जो संवेदना लेकर आ रही है, ये कौन सी तंत्रिका है? ये नीली वाली तंत्रिकाएं है जो हमारे संवेदी अंगों से जुड़ी हुई है, जो संवेदनाओं को लेकर आ रही है। किसके पास आई? हमारे किसके पास आई? सेरिब्रम के वलकुट के पास में आ गई। ठीक है, दे दिया यहां पर संदेश। अब संदेश किसको देगी? संदेश किसको देगी? अब यहां पर वर्ड देखना, यहां पर एक वर्ड देखना, सहभागी क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? सहभागी क्षेत्र होता है, और यह सहभागी क्षेत्र जो होता है वो स्मरण यानी मेमोरी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र, यानी कुल मिलाकर, ध्यान से सुनना, इतने से पोर्शन को मैं वापस से इधर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिएगा, मान लो ये वलकुट है, ठीक है, ये कौन है बेटा? हमारा वलकुट है, ठीक है जी, और इस वलकुट में ये दरार थी। मैंने बोला अंदर कौन सा द्रव्य मिल रहा है, आपने बोल दिया सर अंदर धूसर द्रव्य मिल रहा है। वो मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा बोल रहा हूं कि दोस्त यहां पर ये तंत्रिका आई। कौन सी तंत्रिका थी? ये संवेदी तंत्रिका थी। संवेदी तंत्रिका क्या लेकर आएगी? मैसेज लेकर आएगी, संवेदनाओं को लेकर आएगी, जो भी हम संवेदनाएं ग्रहण करेंगे। जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूं, है ना, पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, वो संवेदनाएं हैं। वो कहां जा रही है? मेरे सेरिब्रम के इस वलकुट भाग में गई। कौन लेकर जा रही? संवेदी तंत्रिका लेकर गई। अब यहां पर मिल रहा है एक सहभागी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? सहभागी क्षेत्र। अब ये सहभागी क्षेत्र डिसाइड करेगा कि जो संवेदनाएं आ रही हैं उनको स्टोर करना है कि नहीं करना है, वो जो संवेदनाएं आ रही हैं उनके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दिखानी है, है ना। जैसे मैंने तुमसे पूछा, क्या तुमको ये चीज याद है? जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने तुमसे पूछा क्या तुमको पाचन तंत्र में ये चीज याद है कि एंटेरोकाइनेज ने क्या किया था, यानी तुमको एक स्टिमुलस मिला, तुमको एक उद्दीपन मिला सुनते ही, है ना, एक उद्दीपन मिला। हाँ, अब वो उद्दीपन तुम्हारे कहां पर गया? हमारे ब्रेन के सेरिब्रम पोर्शन में गया। कौन लेकर गई? संवेदी तंत्रिका लेकर गई। फिर तुम्हारा ये वाला जो क्षेत्र था सहभागी क्षेत्र, इसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर थी। अब ये तुम्हारा सहभागी क्षेत्र जितना ज्यादा विकसित होएगा उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर चीजें स्टोर होंगी। सहभागी क्षेत्र ज्यादातर किसमें मिलते हैं? दरारों में मिलते हैं। जितने ज्यादा दरार उतने ज्यादा सहभागी क्षेत्र, उतने ही ज्यादा मेमोरी में चीजें स्टोर हो जाएंगी। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब तुम्हारे सहभागी क्षेत्र में अगर वो चीजें स्टोर हैं, अगर स्टोर है, तो सीधी सी बात है यहां से निकलेगी कौन? सर चालक तंत्रिका। यहां से निकलेगी कौन? चालक तंत्रिका। और वो चालक तंत्रिका, वो चालक तंत्रिका वो चालक तंत्रिका क्या करेगी? सर वो चालक तंत्रिका मैसेज लेकर जाएगी कि अगर याद है, याद है तो चालक तंत्रिका लेकर जाएगी हमारे गले के पास मैसेज, हमारी स्वर कंठिकाओं के पास मैसेज कि बोलो।
समझ में आया? तो आपको पूरी गतिविधि समझ में आई? तो कुल मिलाकर हमारे इस वल्कुट भाग में क्या आपको संवेदी तंत्रिका, क्या चालक तंत्रिका दिखाई दे रही, जो आपस में जुड़ी हुई है किसके द्वारा? सहभागी क्षेत्र के द्वारा। यह सहभागी क्षेत्र क्या हमारे स्मरण को, हमारी मेमोरी को, हमारी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। खत्म खल्लास इतनी सी बात थी किसकी? वलकुट की। सेरिब्रम खत्म नहीं हुआ, वलकुट देखा है हमने किसका? सेरिब्रम का। अब यहां से लेकर यहां तक एक बार पढ़ देख, कैसे मजा नहीं आएगा तेरे को पढ़ने में। यही तो बात होती है, चीजों को समझो और पढ़ो। देखो, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, जिसे हमने क्या बोला? वलकुट बोला। यानी प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो है उनके ऊपर एक आवरण मिल रहा है जिसका नाम है वलकुट। यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है और जगह जगह पर गर्त, गर्त मतलब गड्ढे, जगह जगह पर यह क्या बना रही है? गड्ढे बना रही है, दरारे बना रही है। गर्त का मतलब दरारे, ठीक है। प्रमस्तिष्क वलकुट को इसकी धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो वलकुट जो है, ये जो वलकुट जो था, इस वलकुट का रंग कैसा होता है? ग्रे होता है। अब क्यों ग्रे होता है ये यहां पर पता नहीं बताया कि नहीं बताया, बताया देखिएगा। तंत्रिका कोशिकाएं सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। ऑब्वियस बात है, वो तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो रंग प्रदान कर रही है, है ना। अभी लास्ट में बताएगा ये कि माइलिन आवरण नहीं मिलता, इसलिए उनको हम दूसर द्रव्य बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, प्रेरक का मतलब चालक, संवेदी भाग। संवेदी आप जानते हैं, एक होता है संवेदी और एक होता है चालक, है ना, ठीक है। और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टतः ना तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और ना ही संवेदी क्षेत्र होते हैं। यानी देख, तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका जिस भाग के पास जाएगी, मान लो ये संवेदी तंत्रिका थी, ये संवेदी तंत्रिका है, अब ये इस जगह पर आई है, अब अगर ये इस जगह पर आई है, हमारे इस जगह पर आई है, तो इस भाग को मैं क्या बोलूंगा? संवेदी भाग नहीं बोलूंगा, है ना। अब हमारी चालक तंत्रिका इस भाग से अगर जा रही है, इस भाग से होते हुए जा रही है, तो ये हमारे मस्तिष्क का ये कौन सा भाग है? ये संवेदी भाग है और ये चालक भाग है। चालक भाग को हम प्रेरक भाग बोलते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो, सर आपने संवेदी तंत्रिका बोला था। संवेदी तंत्रिका जिस क्षेत्र के पास जाए वो संवेदी भाग, किसका? मस्तिष्क का, इस सेरी ब्रह्म के वलकुट का ये वाला भाग क्या कहलाएगा? संवेदी भाग, जिसके पास संवेदी तंत्रिका आ रही है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? प्रेरक भाग। प्रेरक भाग का मतलब जहां से चालक तंत्रिकाएं निकलेंगी, और इनके बीच में क्या मिल रहा है? सहभागी क्षेत्र। डन, इतनी सी बात। अब जरा सोचे, क्या सहभागी क्षेत्र, सहभागी क्षेत्र में क्या संवेदी और चालक भाग है, या सहभागी भाग जो है उसमें क्या संवेदी या चालक तंत्रिकाएं हैं? नहीं, ये तो इनके दोनों के बीच में मिल रहा है, संवेदी भाग और प्रेरक भाग के बीच में मिल रहा है। संवेदी भाग वो था जिसके पास संवेदी तंत्रिकाएं आएंगी, प्रेरक भाग वो है जिससे चालक तंत्रिका जाएंगी। पढ़ो। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र होता है, प्रेरक भाग, प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग होता है, और एक बड़ा और बड़े भाग होते हैं जो ना तो प्रेरक होते हैं ना संवेदी होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। अब ये सहभागी क्षेत्र क्या कर रहे हैं? ये सहभागी क्षेत्र जटिल क्रियाएं जो होती है उनको रेगुलेट करते हैं। अंतर संवेदी सहभागिता, यानी अंतर संवेदी का मतलब कि जो संवेदनाएं आ रही हैं और चालक जो लेकर जाएगा उनके बीच में कनेक्शन बैठाएंगे, स्मरण को रेगुलेट करेंगे, संपर्क साधेंगे, ये सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होंगे, ठीक है। अब यहां तक जो था ये था आपका वलकुट। ये हमने क्या बात करी है? वलकुट की बात करी है, दिस पोर्शन। ये हमने किसकी बात करी है? वलकुट की बात करी है, ठीक है जी। हो गया वलकुट। अब वलकुट के बाद, इस वलकुट के बाद इधर देखिएगा, ये वलकुट है, तो इस वलकुट के नीचे ये वाला जो भाग जो है, ये
दिस पोर्शन, ये वाला भाग जो है ये कहलाता है मध्यांश। इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यांश। डन। सो ये है वलकुट और ये है मध्यांश। ओके जी, एक है हमारा वलकुट, ये है हमारा वलकुट, और अंदर वाला है मध्यांश। ठीक है, अब वलकुट मैंने कौन से रंग का दिखाया आपको? धूसर। क्या मीनिंग था धूसर का? बता दिया। अब मध्यांश जो मैं आपको कैसा दिखा रहा हूं? सफेद, श्वेत, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? मध्यांश की बात कर रहे हैं, मध्यांश की। अब मध्यांश जो है वो बना हुआ है श्वेत द्रव्य से। बताइए, मुझे बताने की जरूरत है, व्हाइट मैटर से बना हुआ है। व्हाट इज व्हाइट मैटर? मैंने आपको बता दिया। अब आप बोलेंगे सर क्या हमारी एनसीईआरटी भी बताती है क्या? अच्छा देख, बताएगी। देखो अब यहां से पढ़ना है, यहां से। माइलिन आच्छद से आवृत रहते हैं जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क, बस यहां तक लिखा हुआ था, बस इतनी सी बात लिखी हुई है। क्या? कि भाई साहब ये जो मध्यांश जो होता है अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। कहीं नहीं लिखा हुआ है क्या मध्यांश? हाँ जी, मध्यांश 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 लिखा ही नहीं हुआ है। ओ भाई, चलो इतनी सी बात लिखी हुई है क्या कि माइलिन आच्छद जो था ना, कौन सा आच्छद? ये जो माइलिन आच्छद जो होता है, माइलिन आवरण जो होता है, उससे जो आवृत रहती हैं तंत्रिकाएं वो प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाती है। चलो सर, इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का जो अंदर वाला भाग है ये ऐसी तंत्रिकाओं से बना हुआ है जिस पर माइलिन आच्छद मिल रहा है, आवृत रहती है। नाम नहीं बताया। इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करती है, सफेद रूप प्रदान करती है जिसे हम श्वेत द्रव्य बोलते हैं। अब वो जो अंदर वाला जो भाग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यांश बोलते हैं। बस ये भी नहीं लिखा हुआ मध्यांश, लेकिन मैंने आपको बता दिया अंदर वाला भाग कौन सा? मध्यांश है। और इस मध्यांश में श्वेत द्रव्य मिल रहा है। श्वेत द्रव्य क्या होता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। श्वेत द्रव्य मीन्स जिसपे तंत्रिका पर माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद मिलेगा। बस खत्म। ये क्या कहला रहा है आपका? मध्यांश। इससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है दोस्त, खत्म। ये हो गया हमारा सबसे पहला भाग। कौन सा सबसे पहला भाग हुआ है? कौन सा? सेरिब्रम, अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं। सेरिब्रम के भी फिर चार भाग होते हैं, अलग अलग भाग के अलग अलग कार्य होते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ने को, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में नहीं। आप जब जाएंगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में तो आपको सेरिब्रम के एनाटॉमी पूरी पढ़ने को मिलेगी, सेरिब्रम के सारे पार्ट पढ़ने को मिलेंगे, है ना। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। सर ये तो अस्थियों के नाम थे। हाँ, ये फ्रंटल अस्थि थी ना, इसी के आगे सेरिब्रम का भाग जो होता है वो फ्रंटल लोब कहलाता है। फिर पेराइटल लोब होते हैं, फिर टेम्पोरल लोब होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब होते हैं। फ्रंटल लोब के अलग कार्य होते हैं, पेराइटल लोब के अलग कार्य, टेम्पोरल के अलग कार्य। ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको कब? एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी जब पढ़ते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा ही याद रखना है। चल अब बात करते हैं किसकी? डायंसी फेलोन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब हम डायंसी फेलोन की बात करते हैं। अगला भाग जो आता है वो क्या आता है हमारा? डायंसी फेलोन। अब हमारा डायंसी फेलोन जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में। अब डायंसी फेलोन जो है ये कमरे के समान संरचना है।
क्या बोला? ये डायन्सिफेलॉन जो है ना, ये कमरे के समान संरचना है। किसके समान? कमरे के समान। सर समझ नहीं आया, कमरे के समान संरचना मतलब? देख ये कमरा है, ये कमरा है सर, और इस कमरे में जरा मुझे बता, अभी जिस कमरे में तुम बैठे हो, तुम बैठे हो अभी एक कमरे में बैठे हो ना भाई, या अगर बाहर बैठे हो खुले खुले में बैठे हो, तो एक काम करो कमरे में जाओ अभी के अभी, और उस कमरे में जाकर देखो क्या तुम्हें छत दिख रही है? हाँ, तो इस कमरे में छत है? हाँ जी बिल्कुल है। फर्श है? हाँ जी। फर्श नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। मैं इस कमरे में हूं अभी, मैं इस कमरे में हूं, मुझे छत दिख रही है? हाँ। मुझे फर्श दिख रहा है? हाँ। चारों तरफ से दीवार दिख रही है? हाँ, दीवार है, बिल्कुल है। तो हमारा डायन्सिफेलॉन एक कमरे की तरह होता है, जिसकी छत जो होती है ना, इस छत को बोला जाता है, याद रखना, एपिथैलेमस। क्या बोला जाता है? एपिथैलेमस। फर्श जो होता है इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और दीवार जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। डन, सिंपल, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस इस डायग्राम में भी नहीं दिखाया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। So, ये है बेटा हाइपोथैलेमस नीचे वाला भाग, ये दीवारें होती हैं ये, और ऊपर वाला भाग जो होता है ये एपिथैलेमस होता है। दीवार थैलेमस, नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस, और ऊपर वाला भाग जो होता है ये वाला एपिथैलेमस होता है। डन, चलो जी आगे बढ़ते। सो ये तो समझ में आ गया सर, डायन्सिफेलॉन हमारे, ये वर्ड तो नहीं था हमारी इंग्लिश, हमारे एनसीईआरटी में, लेकिन डायन्सिफेलॉन का मीनिंग समझ में आ गया। हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो एक कमरे के समान है, जिसकी छत जो है वो एपिथैलेमस कहलाती है, दीवार जो है थैलेमस कहलाती है, और फर्श जो है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है, ठीक है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में एक बिंदु मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ, फटाफट आप मुझे बताएं इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होएगा, एपिथैलेमस का, थैलेमस का, या हाइपोथैलेमस, किसका क्षेत्रफल ज्यादा होएगा? कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर खुद सोचिए किसका क्षेत्रफल ज्यादा होएगा, लगाइए दिमाग, लगाइए, सोचिए। आपकी छत है, जितना छत का क्षेत्रफल उतना ही फर्श का क्षेत्रफल, नहीं, जितनी बड़ी छत है उतना ही बड़ा हमारा फर्श है, इस कमरे का, जिस कमरे में मैं हूं, जिस कमरे में आप हो, जितनी छत है उतना ही फर्श है, ठीक है। लेकिन दीवारों का क्षेत्रफल देख, एक दो तीन चार, चार दीवारें हैं, और चारों का क्षेत्रफल छत और फर्श से तो ज्यादा है। तो बस अब आप उसी कंसेप्ट को यहां पर लगाइए, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस में कौन कौन हमारे डायन्सिफेलॉन का 80% पोर्शन बनाता है? तो याद रखना, थैलेमस जो होती है बेटा, ये थैलेमस जो होती है, ये हमारे डायन्सिफेलॉन का 80% पोर्शन बनाती है, याद रखना। थैलेमस डायन्सिफेलॉन का 80% भाग बनाती है। डायन्सिफेलॉन का कितना प्रतिशत भाग बना रही है? 80%, यानी सबसे बड़ा भाग कौन से होते हैं? थैलेमस होता है। देन अब बात आ रही है इनका कार्य क्या होता है, यही पूछेंगे ना सर, इनका कार्य क्या होता है? आइएगा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है। क्या अभी इसको मैं बता रहा हूं, ये क्या है, ये थैलेमस का काम है, थैलेमस का काम अभी बता रहा हूं। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस। पहले एक बार इसको हाइपोथैलेमस को देख लो,
अभी थैलेमस का फंक्शन बताऊंगा, हाइपोथैलेमस जो होता है, इसके कार्य पहले सुन लो फिर मैं थैलेमस के कार्य बताऊंगा। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, याद रखना, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारी भूख प्यास को नियंत्रित करता है, याद रखना। हमारे शरीर में ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि, और वो पीयूष ग्रंथि कहीं ना कहीं स्रावी कोशिकाएं होती हैं जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। और मानव जनन चैप्टर तो याद होगा यार, GnRH याद नहीं आ रहा? हाइपोथैलेमस से GnRH निकला था, पीयूष ग्रंथि से LHFSS से निकलवाया था, सब याद आ रहा है ना? हाँ, तो हाइपोथैलेमस के तीन कार्य याद रखना, हाइपोथैलेमस के ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसके तीन मेन कार्य हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेरे शरीर के तापमान को, पहला। दूसरा, मेरे अंदर भूख और प्यास जो होती है वो कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। आपको भूख लगती है, कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, भूख प्यास को। और साथ साथ आपके शरीर के अंदर अंतःस्रावी तंत्र का भी ये भाग होता है, हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। तो ये हमने हाइपोथैलेमस का फंक्शन देख लिया, इससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं थैलेमस, ये थैलेमस क्या कर रहा है? आप में से कितने बच्चों ने एक रेस देखी होगी जिसको हम बोलते हैं रिले रेस? सुना है रिले रेस? कुछ होती है रिले रेस? सर क्या होती है? एक व्यक्ति भागता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और उसका दोस्त वहां पर पीछे खड़ा है स्टार्टिंग लाइन पर, ठीक है। भागते भागते एक चक्कर आया, चक्कर लगाया और वो डंडा दिया, और फिर उसका दोस्त भागने लग गया, इसको बोलते हैं रिले रेस, है ना? देखिए ना, कभी ऐसी देखिए? तो रिले का मतलब क्या होता है? अपनी सूचना दूसरे को देना। रिले रेस में जरा सोच, दो भाग रहे थे, दो दोस्त भाग रहे थे, एक के हाथ में डंडा था, जैसे वो एक चक्कर काट के आया, अपनी सूचना किसको दे दी? दूसरे को दे दी। इसको हम क्या बोलते हैं? रिले बोलते हैं। एक व्यक्ति अपनी सूचना दूसरे व्यक्ति को देता है, उसको हम बोलते हैं रिले। तो रिले रेस, एक व्यक्ति भाग कर आ रहा है, एक चक्कर काटा, अपनी सूचना किसको दी? अपने दोस्त को, फिर दूसरा दोस्त भागेगा, है ना? सो सर ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया, इफ दिस इज मस्तिष्क, ये हमारा मस्तिष्क है, और ये हमारे, मान लो ये हमारा ब्रेन है, कौन है? मान लो ये हमारा ब्रेन है, और हमारे ब्रेन में ये सेरी ब्रम है। मेन कौन सा 80% पोर्शन कौन बना रहा है? सेरी ब्रम बना रहा है, और ये सेरी ब्रम क्या नियंत्रित कर रहा था? हमारे मेन कार्य यही नियंत्रित करता है। अब इसी के अंदर संवेदी तंत्रिका को जाना था, संवेदी भाग के पास जाना था, फिर सहभागी क्षेत्र जो है एनालिसिस करेगा, स्टोर करेगा, फिर चालक जो आपका प्रेरक भाग है वहां से चालक तंत्रिका निकलेगी, हाँ निकलेगी। लेकिन इधर देखना, जरा ध्यान से सुनना, ये संवेदी तंत्रिका आ रही थी, किसके पास आ रही थी? मेरे ब्रेन के पास कौन आ रही थी? संवेदी कौन आ रही थी? तंत्रिका आ रही थी, कौन आ रही थी? संवेदी तंत्रिका आ रही थी, और ये चालक तंत्रिका जा रही थी, कौन जा रही थी? चालक तंत्रिका जा रही थी, ठीक है। ये संवेदी तंत्रिका संदेश लेकर आ रही थी, चालक तंत्रिका संदेश लेकर जा रही थी। संवेदी तंत्रिका जो है यहां से सेरिब्रम के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन उससे पहले बीच में आया थैलेमस। कौन आया? ये थैलेमस है। सपोज दिस इज थैलेमस, ये कौन है बेटा? थैलेमस है। इसके नीचे यहां पर नीचे हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ठीक है। हम अभी थैलेमस की बात कर रहे हैं। अब थैलेमस ने क्या किया? उन संदेशों को लिया, संवेदी तंत्रिका जो संदेश लेकर आ रही थी उनको लिया और पकड़कर धक्का दे दिया, किसके पास? सेरिब्रम के पास। फिर सेरिब्रम में एनालिसिस वेनालिसिस हो गया, फिर यहां से वापस से क्या रही थी? चालक तंत्रिका यहां आई, पकड़ा थैलेमस ने और फिर दे दी आगे, सूचना बढ़ा दी। यानी क्या ये सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है? जो भी सूचनाएं आ रही हैं या जा रही हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, रिले का काम कर रहा है, रिले का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। तो याद रखना, थैलेमस को अंग्रेजी में बोला जाता है रिले सेंटर,
अंग्रेजी में बोला जाता है रिले सेंटर, जो भी संवेदी सूचनाएं आती हैं या जो चालक सूचनाएं जाती है, प्रेरक सूचनाएं जाती है, उनको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? आपका थैलेमस संवेदी सूचनाओं को सेरिब्रम तक और सेरिब्रम से चालक सूचनाओं को शरीर के आगे भेजने का काम करता है, कौन? थैलेमस। ये चीज यहां पर लिखी हुई थी। अब पढ़ देख क्या लिखा हुआ है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ था थैलेमस जो होता है ये संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है, यानी ये वो स्थल है जहां पर संपर्क कर रही है, जहां पर आ रही है संवेदी और चालक सूचना, जिनको ये आगे बढ़ाने का काम करता है, एक रिले सेंटर का कार्य करता है। डन। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये था बेटा जी हमारा कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अब इस अग्र मस्तिष्क में और भी नीचे कई सारी चीजें हैं। लिम्बिक तंत्र क्या होता है, अमिग्डाला क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है ना, ये भी अभी थोड़ी सी बातें रह रही है। फिर इसके बाद आएगा बेटा हमारा मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये देखो ये मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मैं लेकर आया था। चलो जी, अभी आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा ही आज इतना ही होएगा। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या पॉन्स? मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या पॉन्स? हाँ जी। दूसरा प्रश्न बेटा, यहां पर उपरोक्त में से कौन सा भाग प्रमस्तिष्क का नहीं है? इनमें से कौन सा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क का नहीं है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या पॉन्स? लगाइए जल्दी से दिमाग। पश्चिम मस्तिष्क का पूछा, पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है, नहीं। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। पहला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है? अभी मैंने आपको बताया था तापमान नियंत्रण का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। दूसरा, पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पॉन्स होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। सेरिब्रम जो है ये तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे हमारे इसी मस्तिष्क को, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मस्तिष्क को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, बाय।